हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेगाज होम किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर इन वाइट ने बनाया है, वाइट ग्रेवी में, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी है और बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत कम सामान के साथ बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट ग्रेवी पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए है पनीर 250 ग्राम, थोड़े से काजू, आधा कप दही, 1 कप फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, अदरक, 2 हरी मिर्च का टुकड़ा और कुछ साबुत खड़े गरम मसाले जिसमें इलायची, लौंग, जावित्री, थोड़े से काली मिर्च के दाने, थोड़ा जीरा, धनिया और दालचीनी, किचन किंग मसाला, हींग और थोड़ा सा बटर। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इन काजू को डालते हैं। जावित्री, इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी पाउडर और फाइनली दही। इन सबको डालकर एक पेस्ट तैयार करती हूँ। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं, उसमें रिफाइंड ऑयल डालते हैं, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है अब इसमें हींग और जीरा डाल देते हैं। हींग जीरा हमारा भुन गया है, अब इसमें हम जो मैंने मसाला पीस के रखा था, जो फाइन पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट डाल देते हैं। अब इस मसाले को घी छोड़ने तक भून लेते हैं। देखिए साइडों से ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप घर की ताजी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद हमें लगातार चलाते रहना है जिससे हमारी क्रीम नीचे लगे ना।
देखिए अब मलाई डालते हुए भी फ्रेश क्रीम डालने के बाद ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तीखेपन के लिए मैंने ग्रीन चिली और काली मिर्च को डाल दिया था। ये ना ही ज़्यादा तीखी होती है ना ही ज़्यादा फीकी। इसके बाद अब हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। इसे डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको हमें 2 मिनट तक और पकाना है। अब हम इसमें पनीर के पीस ऐड करेंगे। ये हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत झटपट से ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा सा कलर वाइट बिल्कुल ग्रे तैयार हो गई है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने केसर का पानी डाल रखा है और कसूरी मेथी डाल रखी है। इसके बाद इसको गरम गरम सर्व करिए। रोटी नान पराठे के साथ सब्जी बहुत डिलीशियस लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही रिच लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़रूर ट्राई की